सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइज़ अभी के लिए मैं आपको फटाफट से ट्यूटोरियल वीडियो बना ट्यूटोरियल समझ लो, क्योंकि मेरा डिस्कॉर्ड मैंने अभी बनाया है, कंप्लीट हो चुका है। डिस्कॉर्ड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़े बहुत चीज़ें रह गई हैं, लेकिन इसमें क्या क्या है, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं यूज़ करना आता। तो जिन लोगों को नहीं यूज़ करना आता उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर आप मेरे चैनल पर ज्वाइन होते हो, और नहीं भी हो तो हो जाओ, अगर डिस्कॉर्ड पर मतलब मेरे को ज्वाइन करते हो, और अगर आप नए हो सब्सक्राइबर हो और आपको डिस्कॉर्ड यूज़ करना नहीं आता, तो आपको उसे सिंपली यहाँ पर जाना है। और जैसे मतलब मेरा वीडियो का लिंक का जो लिंक रहता है हमारा, मैं दिखाता हूँ आपको अपना चैनल। सो मेरी कोई भी वीडियो खोलना, उसके अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा। जस्ट वेट, जैसे ये लिंक है डिस्कॉर्ड का, इस पर जब भी क्लिक करोगे तो आपको वो ज्वाइन का बटन दे देगा, जिससे आप यहाँ पे आ जाओगे इसमें, इस वाले मतलब मेरे इस डिस्कॉर्ड में वेलकम हो जाओगे। और इसके बाद फिर आपको रूल्स पढ़ लेना एक बार, तो रूल्स की तरफ नज़र मार लेना, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चैनल्स हैं और कैसे कैसे इसको यूज़ करना है फटाफट से। और ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं, ये आपका पहला चैनल आ जाता है जिसमें हम चैटिंग को यूज़ करते हैं। इसमें अगर आप गाली गलौज करोगे तो आपको लॉक कर जा सकता है, क्योंकि इसमें लॉक लगा हुआ है। तो गाली वगैरह बैड वर्ड मतलब यूज़ मत करना इस वाले चैनल के लिए, बाकी कहीं भी हाँ कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप, मतलब जैसे चैटिंग रूम होगा। क्योंकि गाइस देखो, तुम सबको पता है कि अभी क्या है कि हर कोई गाली देता है। अब एक आधा बंदा रहता है जिसको नहीं देनी अच्छी लगती है, कुछ भी रहते, तो वो अपना यहाँ पे लव स्केयर में जाके चैट कर सकते हैं अपने 3-4 बंदे लेके, मस्त वाली कोई सीन नहीं है उनके साथ, ठीक है। और फिर जो गाली गलौज करते या नॉर्मल चैटिंग रहती है उनकी, वो यहाँ पे सब लोग कर सकते हैं अपना चैटिंग। जैसे अभी मेरी जैसे किसी को गेम खेलनी है, आपको पबजी के लिए बुलाना है या कोई अदर गेम के लिए बंदे को बुलाना है, तो आप यहाँ पे एक बार मैसेज डालो। अगर कोई भी अवेलेबल रहेगा, कोई भी उस चैट को पढ़ेगा, मैं या कोई भी मतलब नया बंदा आता है या फिर खेलने को आ रहा है, तो वो यहाँ पे खेल सकता है। सो नेक्स्ट चीज़ में आ जाते हैं शेयर योर लिंक्स में, जिसमें अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आप अपने लिंक्स शेयर करना चाहते हो, तो इसमें इस ओपन है, इस चैनल पर आके आप लिंक्स भेज सकते हो अपने यूट्यूब के, शेयर कर सकते हो, ताकि उस यहाँ से कोई भी आपके लिंक्स देख के आपकी वीडियो देखने आ सकता है। तो ये अब नेक्स्ट चैनल बताता हूँ मैं आपको, इसके ये वॉइस चैनल है बेसिकली। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूँ, जिस पे हैशटैग का साइन आ रहा है वो सारे टेक्स्ट चैनल है, और जिस पे माइक का ये स्पीकर का ऑप्शन आ रहा है वो सारे अपने वॉइस चैनल रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एनीवन कैन चैट पे जाना है। मान लो 3-4 बंदे आप लोग इकट्ठे हो गए और आपने चैटिंग में बोला चलो बात करते हैं, आपको व्हाट्सएप या कॉल करने की दूसरे ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे जाके और कनेक्ट कर सकते हो। और कितने भी मर्ज़ी हो, मतलब 4 बंदे खेल रहे हो, बैठे हो खेल रहे हो पबजी खेल रहे हो, उस टाइम पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पे जाके चैट कर सकते हो, कोई सीन नहीं है। तो या फिर नॉर्मल कोई भी चैट आपकी बातचीत यार आप जानो ना तो करना चाहते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। तो अभी क्या है, किस तरह मेरा अभी मैंने इसको कनेक्ट किया, एक बार बता देता हूँ कैसे किया मैंने कनेक्ट। एक बार इसमें जाना है आपको, कोई भी टेक्स्ट चैनल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट टू वॉइस, तो वॉइस को कनेक्ट करना है। और यहाँ पर जब भी मैं बोलूँगा, जैसे मेरी वॉइस कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर ग्रीन हो जाए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। और जितनी बार भी कोई, जैसे मान लो यहाँ पे 2 या 3 या 4 बंदे रहते हैं, तो वो लोग जब भी बोलेंगे तो उनकी वॉइस जब भी इसमें माइक में जाएगी या जब भी वो बोलेंगे तो उनका ये ग्रीन हो जाएगा। अगर वो चुप रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा, जैसे कि ये अभी मैं चुप होता हूँ तो वो जैसे अभी वो ब्लिंक होके आया है, और उसके बाद मतलब वो देखो अभी माइक ब्लिंक हो रहा है, और फिर उसके बाद जैसे ही मैं चुप होता हूँ तो वो बंद हो जाता है। तो ये सीधा बेसिक हो गया। अगर और गाइस, जब भी आप चैट को एग्जिट करोगे, इस वॉइस चैनल से बाहर जाओगे, तो आप प्लीज़ इसको डिसकनेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि डिसकनेक्ट करे बगैर वो ऑलरेडी मतलब चलता ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं इसको डिसकनेक्ट ना करूं तो ये चलता रहेगा, चाहे आप इसको बैक करके बटन दबाते रहोगे, आपको नीचे दिख रहा है वॉइस कनेक्टेड के बारे में। तो अगर आपको इसको हटाना है तो आपको यहाँ से ऑफिशियली इसको बंद करना पड़ेगा। ये साइड से देखो जो कॉल रखने का ऑप्शन आ रहा है, क्रॉस का आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना और ये हट जाएगा। नेक्स्ट चैनल पे आते हैं जो मैंने बनाया, इसमें हंटर्स का, ये हंटर ग्रुप्स का है, तो हंटर यहाँ पे फुल मस्ती कर सकते हैं अपने, मतलब जो हंटर क्लैन है पूरा उन लोग के लिए। और अभी शील्ड का भी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, वो भी बना दूंगा, तो आज या कल में मतलब बन जाएगा जैसे मेरे को टाइम मिलता है। सो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं स्टीम इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे आपको स्टीम की इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाएगी। अभी तो एक्चुअली शुरू नहीं हुआ इतना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी कोई ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे, ऑलमोस्ट सभी को नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसमें आ जाता है। और नेक्स्ट है कस्टम रूम में, जब भी हम लोग पासवर्ड आईडी शेयर करेंगे तो व्हाट्सएप पे आए ना आए, इस रूम में हमेशा मतलब वो व्हाट्सएप पे ना भी आए तो मतलब इस दर रूम में आ सकता है, वो कोई सीन नहीं है अपना, मतलब जैसे रूम और आईडी पासवर्ड हमेशा आपको यहाँ से मिल जाया करेगा। नेक्स्ट थिंग पे आते हैं हम लोग, कनेक्ट विद एजे, मतलब चैट विद एजे। तो इसमें हम लोग जब भी मतलब मान लो कि मैं चैट में अवेलेबल हूँ, तो जब भी मैं चैट में अवेलेबल रहूँगा तो मेरा जेकोबाइट्स करके नाम आता रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर
आऊँगा, और आप लोग जब भी आओगे उसमें, और अगर आप मेरे को देखते हो तो आप मेरे से वहाँ बात कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन चैनल है। यहाँ पे मैं गेम खेलना आ रहा हूँ या 3-4 बंदों से बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे आप भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ में हम लोग चलते हैं, इसको कनेक्ट हटाते हैं। अब ये हो गया हमारा चैटिंग का सिस्टम ख़त्म। अब आते हैं हम लोग एंटरटेनमेंट में। अब अगर आप बोर हो रहे हो या कुछ भी, मतलब आपको प्रॉब्लम है, तो इस सर्वर पे आपको मिलता है म्यूज़िक, इस पे क्या सब पे ही मतलब मिलता है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, इस ऑप्शन को, पहले आपको यहाँ से बाहर जाना है। आपको पहले म्यूज़िक, जो ये ऑडियो वाला है आपका स्पीकर दिख रहा है, म्यूज़िक के दो हैं, एक वो टेक्स्ट चैनल है और एक आपका कनेक्ट वाला चैनल है। तो पहले आपको जाना है इस वाले चैनल पे, सेकंड वाले पे, जो कि यहाँ से हमारा स्पीकर दिख रहा है जिसके आगे, आपको पहले उस पर जाना है वॉइस चैनल पे, और उसके बाद आपको कनेक्ट टू वॉइस करना है। कनेक्ट टू वॉइस करने के बाद आपको ऐसा सा मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको बैक जाना है यहाँ से, और आप आ जाओगे म्यूज़िक के टेक्स्ट चैनल पे। अब टेक्स्ट चैनल पे आके आप प्ले वगैरह कुछ भी करोगे, ऐसे सोचोगे कि प्ले हो जाएगा, तो ऐसे मत करना, उसको सीधा ही आपको डालना है पहले ये एक्सक्लेमेशन का मार्क, फिर प्ले। और हम लोग क्या करेंगे, मैं कोई गाना या कोई भी मतलब गाना रहेगा आपको डालने का है उसका, या फिर सिंगर का नाम डाल दो, जो भी उसका लेटेस्ट वाला गाना होगा वो चल जाएगा। जैसे मैं अभी जैसे गिल का डाल देता हूँ, तो ये फटाफट चल जाएगा, ये देखो वो सर्च करेगा और ये चल जाएगा। अभी चल तो गया, तो अब आपको इसको रोकना भी है, मतलब मान लो आपको अच्छा नहीं लगा या आपको चेंज करना है, आपको चाहते हो कि बंद हो जाए, वो एक्सक्लेमेशन का मार्क हमेशा डालना है, तो पॉज एंड, वो पॉज हो गया, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये बेसिक क्या है, और इसके बाद मतलब आपका कोई भी गाना कोई भी कैसा भी सुन सकते हो, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे वॉइस चैनल के साथ कनेक्ट रहना है। अब आप मान लो कि आपका हो गया है कि अभी आपने गाने गुने सुन लिए, अपना जाना है वापस, तो भी इस वॉइस चैनल से भी निकलने के लिए आपको यहाँ पे आके और एक बार एक कॉल डाउन करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हट जाएगा। ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है, तो उसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है, मतलब उसमें भी कनेक्ट टू वॉइस और वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि निकलने का, तो वहाँ से भी मतलब आप कर सकते हो। उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा मेरा मतलब पीसी बनना चल रहा है, तो चलो कोई बात। अच्छा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट्स वाउट्स होते हैं, आपकी कंप्लेंट का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे एक और हेल्प का ऑप्शन भी आ जाएगा, तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप आके मैसेज कर सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, या मेरा जो भी मतलब साथ में बंदा रहेगा, वो आपकी कोई ना कोई यहाँ पे सर्वर पे रहेगा बंदा, तो वो आपकी हेल्प करेगा। कुछ भी मतलब आपको प्रॉब्लम हो या कुछ भी मतलब आपको किसी ने कुछ भी उल्टा बोला हो, तो आप यहाँ पे कंप्लेन वगैरह लिख सकते हो। बाकी ये मेन स्क्वाड्स हैं, अभी मतलब बटे नहीं हम लोग स्क्वाड्स में, जब स्क्वाड्स बन जाएंगे हमारा मतलब पूरा हो जाएगा। अभी थोड़े जितने भी बंदे आए हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जितने भी लोग डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाना, ताकि आगे को आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी से यूज़ करना थोड़ा थोड़ा शुरू करोगे, अभी तो काफ़ी चैनल्स खुले हुए हैं, और उसके बाद मतलब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते रहेंगे उस हिसाब से हम लोग के चैनल्स और स्क्वाड्स वगैरह की सबकी मतलब सेटिंग्स हो जाएगी। सो गाइस, जल्दी से मेरे को बताना कैसी लगी वीडियो, और अगर आपको समझ नहीं आया तो भी बता देना। अच्छा, अगर आपको मान लो अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो अब आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपको प्लस का साइन दिख रहा है ऊपर सबसे टॉप पे, तो आपको इनविटेशन बनाना है, यहाँ पे जाना है और इस लिंक को नेवर एक्सपायर पे डाला हुआ है, और शेयर लिंक कर देना है अपने दोस्त के साथ, तो व्हाट्सएप पे हो या कहीं पे भी मतलब वो बंदा हो तो आप उसको बुला सकते हो। तो ये फटाफट से आप लोग ज्वाइन करो, और जिन लोगों को वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मेरे को बताना। कनेक्ट करने का कोई लफड़ा नहीं है इसमें, सीधा आपको कोई भी वॉइस चैनल पे जाना है और कनेक्ट टू वॉइस कर देना, और याद रखें कि जब भी आप अगर बंद करके जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको इसको डिसकनेक्ट करना ही पड़ेगा। डिसकनेक्ट नहीं किया तो वो आपकी जो भी मतलब बातचीत हो रही है वो लगातार चलती रहेगी, तो प्लीज़ इसको डिसकनेक्ट करना और ज्वाइन करना मत भूलना। सो अभी के लिए अपन चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। और क्या, नेक्स्ट स्ट्रीम होने वाली है जल्दी, स्ट्रीम करता हूँ मैं, थोड़ा काम ख़त्म कर रहा हूँ।